और संसद में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर बीजेपी विपक्ष को जमकर घेर रही है। मिमिक्री विवाद पे आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बयान दिया और कहा, उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, विपक्ष को इस मामले पर माफी मांगनी चाहिए। अगर विपक्ष ने माफी नहीं मांगी तो हमें मजबूर होकर इस मामले को संसद में उठाना पड़ेगा। चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, ये दोनों उनके चेहरे पर नजर आती है। हार से बौखलाहट और हार की बौखलाहट, और ये जो कुकृत्य किया गया है और जिस तरह से उसको पिक्चराइजेशन करके एम्पलीफाई किया गया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई और नहीं, श्रीमान राहुल गांधी स्वयं लगे थे। ये ना केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया वो देश ने देखा, कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है, और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किया। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? और पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, एक तरफ राहुल गांधी आज सामने आए मीडिया के, उन्होंने इस पे जवाब दिया, प्रतिक्रिया दी, दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर उनको घेरते हुए नजर आए। कुल मिला के मिमिक्री का विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से मिमिक्री का जो विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब उलट तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर हो रही है। और कल बकायदा आज भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, खासतौर पर संसद के अंदर की अगर हम बात करें, और कल भी एक बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी देश भर में करने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा मामला आप देखिए, संसद की सुरक्षा से चीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था, सरकार को विपक्ष घेर रहा था और शायद एक हद तक विपक्ष कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था कि सरकार से वो सवाल पूछ रहा था कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हालांकि इस पूरे मामले में लोकसभा स्पीकर ने बकायदा सभी सांसदों को पत्र लिख दिया और कह दिया कि ये संसद से जुड़ा हुआ मामला है, ये लोकसभा सचिवालय से जुड़ा हुआ मामला है, सरकार इसमें संज्ञान ले रही है या लोकसभा सचिवालय इसमें संज्ञान ले रहा है। इसके बाद भी तमाम जो सांसद है वो हंगामा करते हुए नजर आए सदन के पटल पर। इस दौरान करीब आपने देखा कि अब तक 150 के आसपास जो विपक्ष के तमाम जो सांसद है, जिन्होंने हंगामा किया था, जिन्होंने अपमानजनक जो व्यवहार है वो किया था, उनको सस्पेंड किया गया शीतकालीन सत्र के बची हुई अवधि के लिए। लगातार जिस तरीके से कल्याण बनर्जी कल संसद के गेट पर जिस तरीके से उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, उसके बाद राहुल गांधी बकायदा उनकी वीडियो बनाते रहे और अब तक विपक्ष बच रहा था, यानी कि कल के प्रकरण के बाद से अब तक विपक्ष के नेता बच रहे थे बयानबाजी करने से। लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने एक मिमिक्री की है। कई विपक्ष के नेताओं के आपने बयान सुने होंगे और मिमिक्री करना एक आर्ट है, लेकिन आप समझिए ये कोई कला का मंच नहीं है संसद भवन। संसद भवन एक ऐसा भवन है जिस पर पूरी देश की नजर होती है, एक जिम्मेदारी होती है संसद भवन पर और जनप्रतिनिधियों पर। अगर जनप्रतिनिधि किसी का नाटक करने लगे, किसी का मजाक उड़ाने लगे तो निश्चित रूप से उन पर सवाल खड़े होंगे। लेकिन जब राहुल गांधी से इस बात पर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी चूंकि इस बात को बखूबी जानते हैं कि मीडिया में उनकी फुटेज चल रही है, राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए उसमें नजर आ रहे हैं, तो राहुल गांधी इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैंने वीडियो बनाया, वीडियो मेरे फोन पे है। उसके बाद राहुल गांधी अडानी और तमाम विषयों पर राहुल गांधी बोलने लगे, जिससे कि सरकार पर वो हमलावर रहते हैं। इस बीच ममता बनर्जी, जिनके सांसद ने इस तरीके का व्यवहार किया, जिनके सांसद ने मिमिक्री की, उनसे जब सवाल पूछा गया, जब वो विजय चौक पर आज मीडिया से को संबोधित कर रही थी या मीडिया से बातचीत कर रही थी, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चूंकि इस मसले को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी वहां पे वीडियो बना रहे थे, नहीं तो मीडिया भी इस मसले को नहीं उठाती। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि
अगर आपका निलंबन हुआ तो और भी रास्ते हो सकते थे आपके विरोध करने के, और आपने विरोध प्रदर्शन किया। आज पूरा यूथ कांग्रेस दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहा था, और भी तरीके होते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन आप एक व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसकी उम्र हो गई है, जो एक संवैधानिक पद पर है, और ये पहला मौका नहीं है।